हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2020 के एग्जाम लास्ट वन मंथ स्ट्रेटजी के बारे में। आप सभी को पता है आपकी आपका जो एग्जाम है वो अप्रैल मंथ में शुरू होने वाला है, तो लगभग एक महीना हमारे पास बचा हुआ है। कैसे आपको प्रिपेयर करना है, आखिरी के एक महीने में कितनी कट ऑफ जा सकती है, पास्ट ईयर्स में कितनी कट ऑफ गई है, वैकेंसीज का क्या ट्रेंड चल रहा है, वैकेंसीज कितनी हैं और कितनी नहीं होंगी, कितनी होंगी, या फिर आपके जितनी भी एसएससी सीएचएसएल में सैलरी कितनी मिलती है, सारी बातों के बाद हम डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या आपको में पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको अपनी अनअकैडमी पर चलने वाली फ्री क्लास के बारे में बताना चाहूंगा। अनअकैडमी पर डेली मेरी शाम को 5 बजे फ्री क्लास होती है, जिसमें हम लोग सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने अनअकैडमी पर मेरी क्लास ज्वाइन नहीं की है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, और अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा अनअकैडमी पर बहुत सारे बैचेस शुरू हो रहे हैं। सीईटी ब्रह्मास्त्र बैच 3 मार्च से शुरू है, एम एसएससी सीजीएल 2020 बैच शुरू है 3 मार्च से, फाउंडेशन बैच एसएससी सीजीएल का शुरू है, फाउंडेशन बैच सीपीओ का शुरू है, रिवीजन बैच एसएससी सीएचएसएल के लिए शुरू है, एसएससी मल्टीटास्किंग का बैच शुरू है, ये सारे बैचेस आपके शुरू हो रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट एसएससी कॉम्बैट है 7 मार्च से, ये फ्री कॉम्बैट है, इसमें आप 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप्स जीत सकते हैं। तो इसमें एनरोल करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, पहला ही लिंक है, और एनरोल करने के लिए उसमें एक रेफरल कोड मांगेगा, उसमें आप AMANT रेफरल कोड डाल के एनरोल कर सकते हैं, और 7 मार्च को दोपहर में 12 बजे आप टेस्ट देंगे। ठीक है, ये फ्री टेस्ट है बिल्कुल। इसके अलावा अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं AMANT, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन जो 6500 का दिखता है, आपको सिर्फ 5850 का मिल जाता है। चलिए आगे बात शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो अमन त्रिवेदी अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो @अमन त्रिवेदी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम पे मैं कुछ आजकल रील्स डाल रहा हूँ जिसमें idioms वगैरह को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पेज भी मेरा लाइक कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ये सारी चीजें हमारी प्रमोशन से रिलेटेड हो गई। अब बात शुरू करते हैं, हम बात किस एग्जाम की कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2020 एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं। आप इस क्या अगर हम एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम हमारा कब से है, 12 अप्रैल 27 से लेकर 27 अप्रैल तक आपका एग्जाम है। यानी अगर हम आज से बात करें तो हमारे पास लगभग 40 दिन बचते हैं, 40 दिन के बाद से हमारे एग्जाम शुरू है। तो इन 40 दिनों में हमें क्या करना है, कैसे पढ़ना है, इन सारी बातों का डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। शुरू करेंगे अपनी बात को। देखिए बिल्कुल आप लोगों इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है, क्योंकि सिर्फ 40 दिन बचे हैं। 40 डेज, 40 डेज आर नॉट मच, बहुत कम दिन है 40 डेज। आप जल्दी से अपनी तैयारी को, जितना भी आप डिस्टर्ब चल रहे थे, अच्छे से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि 40 दिन में भी एक अच्छी तैयारी हो सकती है अगर आपने पहले से तैयारी कंटिन्यू कर रखी है तो। ठीक है, देखिए इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई मेरे से सवाल ये पूछता है कि एक महीना बचा क्या आप तैयारी हो सकती है, तो देखो अगर आप पहले से तैयारी थोड़ी बहुत कर रहे हो, आपकी क्वांट अच्छी है, आपकी जीएस इंग्लिश अच्छी है, तो हो सकती है। लेकिन अगर आप बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल आपको नॉलेज नहीं है, बिल्कुल बेसिक से आप शुरू करेंगे तो मुश्किल है तैयारी। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं जरा सैलरी की, कितनी सैलरी हमें सीएचएसएल से मिलती है। तो देखिए सीएचएसएल से कुछ कुछ कौन कौन सी पोस्ट मिलती है, आपकी डीईओ की पोस्ट मिलती है, एलडीसी की पोस्ट मिलती है, कोर्ट क्लर्क की पोस्ट होती है, और पीएएसए की पोस्ट मिलती है। इसका बेसिक पे है 25,500, एलडीसी का 19,900 और पीएसए का भी 19,900। ठीक है, एचआरए इतना आपका एचआरए मिल जाता है, 17% पे फिक्स है इस समय। टीए आपको इतना मिल जाता है, ग्रॉस सैलरी जो एक्स सिटी में बनती है डीईओ की वो बनती है 35,000 के आसपास, वाई सिटी में जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो बनती है 31,380, जेड सिटी में जो सैलरी बनती है वो बनती है 29,000। ये एक्स सिटी वाई सिटी जेड सिटी क्या है, एक्स सिटी का मतलब मेट्रो सिटीज लाइक दिल्ली हो गया आपका, मुंबई हो गया, लखनऊ हो गया, बैंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, जयपुर हो गया, जो मेट्रो सिटीज यानी बड़े बड़े शहर है उनके लिए एक्स सिटी कहा जाता है। वाई सिटी हो जाता है जैसे कि मेरठ है वो वाई सिटी में काउंट होता है, वो एक्स सिटी नहीं है आपका। ठीक है, जेड सिटी और इंटीरियर के जो एरियाज होते हैं उनके लिए जेड सिटी आता है। ठीक है, एलडीसी की जो सैलरी है वो है आपकी 26,026 रुपये सैलरी बनती है, और कोर्ट क्लर्क की सैलरी 23,000 के आसपास बनती है, और पीएएसए की सैलरी भी आपकी 23,000 के आसपास बनती है एक्स सिटी में। ठीक है, तो ये आपका सीन रहता है आपकी सैलरी का। देखिए एलडीसी और पीएसए की सैलरी लगभग सेम बनती है, ये आपका
टीए का डिफरेंस कुछ शहरों में आ सकता है, नॉट इन बाकी जॉब की सेम सैलरी सेम रहेगी। तो आप मोटा मोटी, मैं इसको एकदम 100% एक्यूरेट नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एक्यूरेट थोड़ा सा जिसकी सैलरी स्लिप होगी वही बता पाएगा, बट ऑलमोस्ट सैलरी आपकी 25-26 हज़ार के आसपास एल डी सी और पी एस ए में, और डी ओ में 35 हज़ार के आसपास एक्स सी टी में बन जाती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बात सैलरी की। ठीक, इसके अलावा आपकी बात करते हैं जरा वैकेंसीज को भी देख लेते हैं, क्योंकि वैकेंसीज को लेकर काफ़ी ज़्यादा बात होती है कि हमारी वैकेंसीज का क्या सीन चल रहा है। तो ये मैंने आपको 2015 से 2016, 2017, 2018 और 2019 तक का डेटा दिखाया है। 2015 में जो टोटल वैकेंसीज थी वो थी 9,197, यानी कि करीब 9,000 वैकेंसीज थी। 2015 में बम्पर वैकेंसीज आई थी, इसीलिए बहुत उसके ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हुआ था LD। इसके अलावा 2016 की जो कट ऑफ गई थी, वो जो 2016 की जो वैकेंसीज थी वो थी 6,000 के आसपास। इसके बाद लगभग 6,000 आपकी 2017 में थी, करीब 1,000 वैकेंसीज कम हो गई, 1,700-1,800 वैकेंसीज, फिर 200 वैकेंसीज और कम हो जाती 2018 में, और 2019 में जो अभी तक वैकेंसीज रिपोर्ट हुई हैं वो आपकी हुई हैं 4,893। 2020 का डेटा अभी अवेलेबल नहीं है, कितनी वैकेंसीज होंगी हमें नहीं पता, बट 2019 में 4,893 हैं, फाइनल होते होते ये भी 5,000 के आसपास आ जाएंगी, इतनी वैकेंसीज आपकी हो रही हैं। यानी कि आप ये मान के चलिए 15 के बाद से वैकेंसीज जो हैं 5-6 हज़ार के आसपास वैकेंसीज आ रही हैं हमारी। ठीक है, तो इस बार भी लगभग इतनी वैकेंसीज हो जाएंगी, 4-5 हज़ार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। CHSL 2019 की कट ऑफ की जरा बात कर लेते हैं, जो अभी अभी जिसकी कट ऑफ आई है CHSL 2019 की, उसकी कट ऑफ क्या गई है टीयर वन की। तो देखिए टीयर वन की जो उसकी कट ऑफ गई है वो 159.52 गई है, SC की कट ऑफ 136 गई है, ST की कट ऑफ 127 गई है, OBC की कट ऑफ 156 गई है, EWS की कट ऑफ 149 गई है, ESM की कट ऑफ 87.32 गई है, OH की 124.36, HH की 81.80, VH की 123 और अदर PWD कैटेगरी की 74.32 आपकी कट ऑफ गई है। तो UR की कट ऑफ गई है 159.652, दैट इज वेरी ह्यूज, यानी कि SSC CHSL 2019 की जो UR की कट ऑफ है 159.52 है। ठीक है, अब इतनी कट ऑफ देखकर आप जरूर हो सकता है ये ऐसा कहें, लेकिन हमें क्या करना है, अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो हमें हर विषम परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। ठीक है, फाइनल कट ऑफ जरा देख लेते हैं कि कितनी कितनी गई है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर की आपकी फाइनल नहीं है, टीयर वन की कट ऑफ है, टीयर वन की कट ऑफ का ये आपका एनालिसिस है। तो 2015 में पेपर ऑफलाइन होता था तब गई थी 119 कट ऑफ, 2016 में 127, 2017 में अचानक से कट ऑफ बढ़ी और 143 गई, 2018 में 135 कट ऑफ गई है, 2019 में आप कट ऑफ देख सकते हैं 159.5 गई है, और 2020 की ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने रखी है, जरूरी नहीं है कि इतनी जाए लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 165 के आसपास जा सकती है, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं 2019 की कट ऑफ कितनी है 159.52। तो अगर 2019 की कट ऑफ 159.52 है, सो देर आर प्रिटी मच चांसेस कि इस साल आपकी कट ऑफ 165 के आसपास आ जाए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 165 मार्क्स की तैयारी करनी है कि हमारे 165 नंबर तक आ जाए। ठीक है, अब इतनी कट ऑफ के बाद हो सकता है आप ऐसा कहें कि आपको जिंदा नहीं छोड़ो, लेकिन हमें अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो हमें इतने की तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक, ये फाइनल ईयर कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ की है, वो टीयर वन कट ऑफ की थी, ये टीयर वन टीयर टू की मिक्स करके जो फाइनल कट ऑफ हुई उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। देखिए 18 का फाइनल रिजल्ट आया नहीं है, 19 का टीयर वन अभी कंडक्ट हुआ है, टीयर टू अभी कंडक्ट हुआ है 14 फरवरी को, और 20 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो डेटा जो है 15, 16, 17 का अवेलेबल है, मैं बता देता हूँ। तो 15 की जो आपकी DO की कट ऑफ गई थी वो 202 गई है, 16 में भी लगभग सेम ही गई है, और 2017 में ये कट ऑफ कम गई है। ठीक है, PSA की कट ऑफ यहाँ पर गई थी, यहाँ पे LDC PSA की कट ऑफ गई थी 185, यहाँ गई थी 192 और इसमें गई है 199, और DO की कट ऑफ यहाँ गई है 182, यहाँ गई है 188, यहाँ गई है 199। इसका मतलब ये है कि 2018 में कट ऑफ इतने ही आसपास रहेगी। कुल मिला के आपको ये समझना है कि अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आपको बहुत नंबर लाने, क्योंकि ये कट ऑफ हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट इसलिए नहीं क्योंकि आप खुद देख सकते हो कि कितना ज़्यादा लीप आपके कट ऑफ में दिख रहा है। जब कट ऑफ में लीप दिखेगा तो आपको टीयर वन के कट ऑफ में लीप दिखेगा तो फिर टीयर टू में भी दिक्कत आएगी। दूसरी बात, पहले क्या होता था कि टाइपिंग हमारी जो है पेन पेपर पेपर मिलता था और उसके बाद कंप्यूटर में टाइपिंग करनी होती थी, उसमें बहुत सारे लोग बाहर हो जाते थे, लेकिन अभी क्या किया है TCS ने कि आपका जो टाइपिंग है वो कंप्यूटर पर देख कर ही हो रही है, उसमें ज़्यादातर लोग टाइपिंग कर ले रहे हैं, तो अब कट ऑफ और हाई जाएगी इससे। ठीक है, चलिए
हाँ यहाँ पे कोर्ट क्लर्क की भी वैकेंसी थी 2016 में, इसलिए यहाँ पे इसकी कोर्ट क्लर्क की इसकी जो कट ऑफ है वो 203 गई थी। तो हमने आपको सारी बातें बता दी कट ऑफ टीयर वन की कितनी गई है, कितनी जा रही है और क्या आपकी एक्सपेक्टेड है 165 के आसपास। मैंने कहा आपकी इस साल कट ऑफ जा सकती है 2030 की, ठीक। अब आपको खुद पता है कि 165 आसपास हमें नंबर लाने हैं, तो जो मैं आपको ये टारगेट स्कोर्स दे रहा हूँ ये आपको देखने में अनरियलिस्टिक लग सकते हैं, बट दिस इज द रियलिटी। आप खुद देख पा रहे हैं कि कट ऑफ 159 जा रही है, इसका मतलब है कि भाई आपको 165 की तो मिनिमम तैयारी करनी है, तब तो जाके फाइनल सिलेक्शन की चांसेस बनेंगे। और ऐसा तभी संभव है जब आप क्वांट में 45 प्लस मार्क्स की तैयारी करें, इंग्लिश में 45 प्लस मार्क्स की तैयारी करें, रीजनिंग में 45 प्लस मार्क्स की तैयारी करें, जीएस में 30 मार्क्स की तैयारी करें और टोटल 165 आ जाते हैं। अब अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो है वो 165 से 10-20 नंबर अगर बढ़ जाता है तो ये आराम से 180 बन जाएगा, विच विल बी अ गुड नंबर, ठीक है। तो अगर आपकी किस्मत खराब हुई तो फिर कट ऑफ स्कोर नहीं बढ़ेगा, उस केस में यानी कि पेपर इजी है तो फिर आपको 165 से भी ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब अब ये समझ लीजिए अगर आपकी आपके शिफ्ट में पेपर बहुत आसान आ रहा है तो आपके 165 से भी ज़्यादा नंबर होने चाहिए, डिफिकल्ट है तो 165 तक अगर होंगे तो 10-20 नंबर आपके फाइनल सेलेक्ट 10-20 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में पड़ जाएंगे जिसका बेनिफिट आप उठा पाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया टारगेट स्कोर, अब इसे आप अचीव कैसे करोगे? देखिए अचीव करने के लिए आपको स्ट्रक्चर्ड प्लान होना चाहिए, राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कंसिस्टेंट एफर्ट होना चाहिए और बहुत सारा हार्ड वर्क कम स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ेगा, ठीक। कैसे हम करेंगे आपको देखिए, आप डेली शेड्यूल अपना एक बनाइए जिसका स्ट्रक्चर्ड आप एक प्लान बनाइए, राइट स्ट्रैटेजी करिए, कंसिस्टेंट एफर्ट करिए। देखिए डेली शेड्यूल आपका क्या होना चाहिए, आपको डेली क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, वोकैबुलरी आपको रोज़ पढ़ना है, रोज़ सुबह उठ के वोकैबुलरी रिवीजन करिए, फिर जीएस स्टैटिक रिवीजन करिए, करंट अफेयर्स रिवीजन करिए, इंग्लिश के प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, मैथ्स के प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए और मॉक टेस्ट करिए और प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। इतना आप अगर डेली शेड्यूल में अगर आप बना कर रखते हैं तो देर आर चांसेस कि आप इतना स्कोर अचीव कर पाए, ठीक। अब देखो ये स्कोर इतनी बात बताने के बाद हो सकता है आप सोचें कि आग लगा देंगे, लेकिन होगा ये कि एक दिन दो दिन मैंने शेड्यूल की बात करी, रूटीन की बात करी, हो सकता है कुछ लोग अपना भयंकर सा शेड्यूल भी बना लें कि सुबह 6 बजे उठना है और फिर 6:30 बजे ये पढ़ना है, 6-7 बजे ये पढ़ना है, तो फिर ऐसा अगर करोगे तो दो दिन बाद आपका यही हाल होगा कि थक जाओगे और रूटीन फॉलो नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको रूटीन ऐसा बनाना है जो कि आप फॉलो कर सकें, थोड़ा सा रियलिस्टिक रूटीन बनाइए जिसमें आपके लिए आपके पास रेस्ट करने की भी जगह हो और आराम से पढ़ाई भी हो सकती हो, ऐसा रूटीन आपको बनाना है, ठीक है। बाकी आप याद रखिए विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो जब तक हम अपने गोल को अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक हमें थकना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हमें अपने प्रयासों को अच्छे से करना है और जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे अच्छे से फॉलो करना है। अगर आप इतना करोगे तो आराम से आपका स्कोर आ जाएगा, आपके मार्क्स आ जाएंगे, आपका सिलेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें मोटिवेटेड रहना है, डिमोटिवेटेड बिल्कुल भी फील नहीं करना है, ठीक। क्वांट की देखिए क्या स्ट्रैटेजी आप रखेंगे, क्वांट की स्ट्रैटेजी करके देखिए आपका सिंपल सा ये फंडा है कि प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर्स हैं आप उनको सॉल्व कर लीजिए। देखिए बात यह है कि अब मैं आपको बहुत डिटेल्ड चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ 40 दिन है तो हमें वो काम करने हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला काम ये करिए कि जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं आपके को CHSL के, CGL के, CGL के भी लगाइए, CHSL के भी लगाइए, CPO के भी लगाइए, जितने भी पेपर्स हैं उनको लगाइए आप, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, और 2019 के पेपर से शुरू करिएगा, चाहे CHSL शुरू करिए चाहे CGL शुरू करिए, 2019 से शुरू करिएगा। YouTube चैनल पर मेरे सुबह 9 बजे आपकी क्लास मैंने लगा दी है जिसमें आपके मैथ्स वाले सर आपको क्वांट का पेपर सॉल्व करा रहे हैं, तो आप उस सीरीज को भी डेली फॉलो कर सकते हैं, सुबह 9 बजे वो क्लास होती है, ठीक है। पुराने वीडियोस में आपको यहाँ पर आई बटन पे दिख जाएंगे। इसके अलावा आपको क्वांट के लिए क्या करना है, देखिए मॉक्स दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट देने के बाद आप जब आप देंगे तो आपके मार्क्स आएंगे और मार्क्स के बाद आप एनालाइज कर पाएंगे किस चैप्टर के क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, किस चैप्टर के क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। तो जिस चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है उस चैप्टर के क्वेश्चंस को आप किताब से लगाइए, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए, जिस भी टीचर से आपने पढ़ा है उसको एक बार नोट्स रिवाइज करिए और उसके बाद आप अपने आराम से मैथ्स के क्वेश्चंस बनने लगेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपने जब किरण लगाई है या किसी अदर टीचर की PDFs लगाई है या कोई और बुक लगाई है तो जब हम क्वेश्चन करते वक्त उन्हें सर्कल कर देते हैं कई बार कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा था, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा था, तो जो सर्कल्ड क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व कर लीजिए एक बारी, जिससे कि आपका क्विक रिवीजन आपके टॉपिक वाइज हो जाएगा।
तो सारे टॉपिक्स का क्विक रिवीजन कर लेना है, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, एलिगेशन, जितने भी चैप्टर्स हैं उनका आपको क्विक रिवीजन कर लेना है और प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगाना है। यही तरीका आपको क्वांट के लिए अपनाना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी देखिए, इंग्लिश के आपके तीन पिलर हैं, वोकैबुलरी, ग्रामर और वर्बल एबिलिटी। इन तीनों पिलर्स को हमें अच्छे से तैयार करना है। एक एक पिलर की बात करेंगे कैसे तैयार करना है। वोकैबुलरी की अगर आप बात करेंगे तो देखिए, वोकैबुलरी में आपके एडियम फ्रेजेस दो क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि चार मार्क्स के हो जाते हैं, एंटोनिम्स चार मार्क्स का, सिनोनिम फोर मार्क्स का और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फोर मार्क्स का। आपको इन सभी को अच्छे से याद करना है। याद कहाँ से करेंगे? आप मेरी क्लासेस के जो नोट्स हैं उनसे याद कर सकते हैं, मेरी क्लासेस देख सकते हैं, अनअकैडमी प्लस पर अवेलेबल हैं, जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले रखा है वो देख सकते हैं। यूट्यूब पर वर्ड पावर मेड इजी मैंने पूरी कंप्लीट करा रखी है, आई बटन पर क्लिक करके उस सीरीज को आप देख सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। वोकैबुलरी आप याद कर सकते हैं एस पी बख्शी बुक से, नीतू सिंह की किताब से या एमबी पब्लिकेशन से, इन तीनों जगह से वोकैबुलरी याद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी याद करते हैं तो उससे भी आप वोकैबुलरी याद कर सकते हैं, और डेली अपनी वोकैब का रिवीजन करते चलिए। अगर याद कर रखी है तो रिवीजन करते चलिए, याद नहीं की है तो याद करना शुरू कीजिए, क्योंकि वोकैबुलरी से आपने खुद देखा कि करीब 4-16 मार्क्स का पेपर आपका वोकैबुलरी से पूछा जा रहा है। इसलिए वोकैबुलरी को अच्छे से हमें प्रिपेयर करना है और वोकैबुलरी में हमें अपना सुबह का टाइम सबसे ज़्यादा देना है, ठीक है। जब मैंने यहाँ पर सर्कल बनाया था तो वो इसलिए बनाया था कि आप जब, यानी कि जब आप मॉक टेस्ट देकर जाएं तो रात में जब सोने जाएं तो उस बार एक बार फिर से वो कैप का रिवीजन करें, तभी आपको वो कैप का एक्चुअल बेनिफिट होगा। सुबह एक बार याद किया, शाम को फिर से हमने रिवीजन किया, देन यू विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम द वोकैबुलरी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर में इडियम्स के कई बार दो से चार क्वेश्चन तक आ जाते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के दो क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव के दो क्वेश्चन और नरेशन के दो क्वेश्चन रहते हैं। इनके लिए देखिए क्या करना है, अगर आपने मेरी क्लासेस अनअकैडमी पर ले रखी हैं तो मेरे नोट्स और क्लासेस से रिवाइज करना है। नहीं ले रखी हैं तो आपने जिस भी टीचर की क्लास ली हुई है, जिस भी जगह से पढ़ा है, वहाँ से अपने नोट्स रिवाइज कीजिए और अपने किताबों से याद कीजिए, रिवाइज कीजिए या फिर अपने लेक्चर्स को देखिए। CHSL का प्रीवियस ईयर पेपर मैं आपको रोज शाम 5 बजे अनअकैडमी पर करा रहा हूँ। ये फ्री क्लास है तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे भी दिया है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर जो है एमबी पब्लिकेशन के, उन्हें आप लगा सकते हैं। एमबी पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर पेपर जो है आप उन्हें लगा सकते हैं और उनको रोज लगाइए और उनमें अपने स्कोर को ट्रैक करिए कि उनमें आपका स्कोर 45 प्लस आ रहा है या नहीं, क्योंकि जब प्रीवियस ईयर पेपर्स में हमारा 45 से ज़्यादा स्कोर आएगा तभी एक्चुअल एग्जाम में 45 प्लस आने की संभावना है। और लाने की ज़रूरत क्यों है वो मैंने आपको कट ऑफ, इसीलिए मैंने वो ग्राफ और वो सारी चीज़ें पहले दिखाई जिससे आपको ये पता हो कि कितने आपको मार्क्स लाने हैं, ठीक है। और डेली ग्रामर का रिवीजन कीजिए, एमबी पब्लिकेशन से सेट लगाइए, दैट इज द ओनली थिंग आपको ग्रामर के लिए करनी है। इसके अलावा वर्बल एबिलिटी की बात करें तो वर्बल एबिलिटी से आपके पैरा जंबल्स के 2 सवाल आते हैं 4 मार्क्स के और क्लोज टेस्ट से 5 सवाल आते हैं करीब 10 मार्क्स के। इन दोनों ही सेक्शंस पे आपको अच्छी कमांड करनी है। कमांड करने के लिए आपको क्या करना है, मेरे कोर्सेज आप पैरा जंबल्स और क्लोज टेस्ट के देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी मैंने इनके वीडियोज बना रखे हैं, आई बटन पे क्लिक करके आप उन्हें भी देख सकते हैं, इनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट और अनअकैडमी पर आप ये सारी चीजें जरूर से देखिए, नहीं देखी है तो यूट्यूब पे देख लीजिए, अदरवाइज आपने कहीं और से पढ़ा होगा उस टीचर के नोट्स देख लीजिए, जहां कहीं से भी आपने तैयार किया उन्हें अच्छे से तैयार कीजिए। और एमबी पब्लिकेशन से प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाइए क्योंकि वो बहुत जरूरी है, प्रीवियस ईयर पेपर्स से ही क्वेश्चंस आपके फंसेंगे और वही आपके सबसे ज्यादा मदद करेंगे, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स एमबी पब्लिकेशन से इसके लिए भी लगाइए और डेली रिवीजन आप करेंगे, ठीक है। ये बात हो गई इंग्लिश के लिए। अगली बात करेंगे रीजनिंग के लिए, तो देखिए इसमें बहुत एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट दीजिए, आपके जो भी चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें आपको कमी महसूस होती है उन पर काम कीजिए और उन चैप्टर्स से गलतियों को दूर कीजिए। मॉक्स इनके भी लगा सकते हैं और आप अपने प्रीवियस ईयर इनके भी लगा सकते हैं और अपने एरियाज को पहचान सकते हैं कि कहाँ पर अभी काम करना बाकी है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे जनरल स्टडीज़ के लिए, तो जनरल स्टडीज़ में 2 ही चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, 2 ही पॉइंट हैं, एक है करंट अफेयर्स, दूसरा है स्टैटिक जीके। करंट अफेयर्स के लिए देखिए क्या करना है, लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स तैयार करनी है और 1 साल की मेजर इवेंट्स, मतलब बड़े बड़े इवेंट्स जैसे कोई गवर्नमेंट की स्कीम है, ग्रैंड स्लैम्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, मेजर अवार्ड्स हैं, वो चीज़ें आपको 1 साल की याद रखनी है और छोटे मोटे इवेंट्स आपको 6 महीने की करंट अफेयर्स याद रखनी होती है, लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स पूछी जाती है। पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, आप यूट्यूब पे टीचर्स के वीडियोस देख सकते हैं, अनअकैडमी पर टीचर्स के वीडियोस देख सकते हैं, मंथली कंपाइलेशंस पीडीएफ्स वगैरह होती हैं वहाँ से आप पढ़ सकते हैं,
ठीक है। और आपको मार्च की ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, उतना मार्च का नहीं पूछा जाता, पूछा जाता तो पिछले महीने तक का पूछा जाता है। स्टैटिक जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके तैयार करने के लिए आपको लूसेंट से आपको स्टैटिक जीके पढ़नी है, या फिर आपने नोट्स बना रखे हैं टीचर्स के तो वहां से आपको अपने स्टैटिक जीके पढ़नी है, और एमसीक्यूज लगाने हैं किरण से, आरवाईपी से या फिर घटना चक्र से, ठीक है। तो इतना काम आपको करना है जनरल स्टडीज के लिए। इसके बाद बात आती है मॉक टेस्ट की, तो मॉक्स के लिए आपको क्या करना है, आपको करीब 2-3 दिन में, वीक में कम से कम 2 मॉक टेस्ट देते रहिए और उनको एनालाइज करते रहिए, पता करिए कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है, कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ अभी भी काम बाकी है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस चैप्टर से जिनमें अभी भी हमें पढ़ाई बाकी करना है, उन सारी चीज़ों को आप अच्छे से एनालाइज करिए और अपने एरियाज पे काम करिए। देखिए पूरी तरीके से ऐसा समझिए जैसे कोई मूर्तिकार होता है, तो कोई मूर्ति बनाता है, फिर वो देखता है कि कहाँ पर अभी गलती है, फिर उसको फटाफट सही करता है। तो आपको वही करना है, मॉक टेस्ट दीजिए, देखिए किस में दिक्कत आ रही है, उस पर काम करिए, उसको सही करिए, कौन से चैप्टर में दिक्कत आ रही है उसे सही करिए। भाई मॉक टेस्ट इसीलिए है, मॉक टेस्ट आर द मिरर ऑफ योर प्रिपरेशन। मॉक्स में कोशिश करिए कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, टॉप 500 में आप रैंक लाएं जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं जिस भी कंपनी का, और अपनी तैयारी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रखिए कि कहाँ कहाँ पर दिक्कत आ रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है मॉक टेस्ट के लिए। सारी बातें मैंने बता दी, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सारी बातें आपको बता दी हैं। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अनअकैडमी पर 5 बजे जो फ्री क्लास है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, और सुबह 9 बजे क्वांट की क्लास चल रही है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन है, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और सारी बातें समझ में आई हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।